अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तों से मज़मून रैज़ी का सबक नंबर 13 फिसागोरस का मसला इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले फिसागोरस का मसला ये जानने से पहले हमें कायनातुज़्ज़ाविया मुसर्रस क्या है ये जानना ज़रूरी है। कायनातुज़्ज़ाविया मुसर्रस देखो यहाँ पर एक तस्वीर बनाया है, मुसर्रस बना हुआ है मुसर्रस ए बी सी, जिसमें ज़ाविया बी जो है ये 90 दर्जे का है। इससे जाहिर होता है कि ऐसा मुसर्रस जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो उसे कायनातुज़्ज़ाविया मुसर्रस कहते हैं। इसी की रूह से अगर हम देखें तो फिसागोरस का मसला इसके ज़ाब्ते की मदद से हल कर सकते हैं। इसकी दलील किस तरह से पेश की फिसागोरस ने यह हमें देखना है। जैसे यहाँ पर इस कायनातुज़्ज़ाविया मुसर्रस में ज़िला ए बी जिसे हम इर्तिफा कहते हैं, उसके बाद जिला बीसी जिसे हम कायदा कहते हैं, और जिला एसी जो दोनों जिलों को मिलाता है इसे वितर कहा जाता है। अब यहाँ पर इनकी लंबाई भी दी गई कि इर्तिफा जो है 3 सम है, कायदा यहाँ पर 4 सम दिया हुआ है। तो ये दोनों की मदद से हम वितर को किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब फिसागोरस का मसला क्या है? फिसागोरस का मसला ये है कि कायनातुज़्ज़ाविया मुसर्रस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदार दो अज़ला के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। ये दोनों जिलों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर ये होता है तीसरा जिला जिसे हम वितर कहते हैं। इसे कैसे किस तरह से हासिल करें या फिर इसकी कीमत हम किस तरह से मालूम करें? तो फिसागोरस ने एक ज़ाब्ता दिया है ऐसी जिस जिले की लंबाई हमें मालूम नहीं है यानी वितर जिसकी नाम दिए गए जिले का एसी उसकी कीमत दो बराबर इर्तिफा जिला ए बी की कीमत दो जमा जिला बी सी कायदा जिसे हम कहते हैं की कीमत दो। अब यहाँ पर इसकी कीमत ही दी हुई है, इर्तिफा की कीमत क्या दी हुई है? 3 सम। 3 सम यानी 3 की कीमत दो जमा कायदा बी सी जिला बी सी की लंबाई दी हुई 4 सम इसकी कीमत दो। इसे हल करने पर यह समझ में आता है कि आगे वितर की लंबाई क्या होगी। जैसे 3 की कुवत 2 यानी यहाँ पर कुवत नुमा जानना भी ज़रूरी है। अगर हमको कुवत मालूम नहीं तो फिर हम आगे हिसाब हल नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए ये हो सकता है कि हमको 2 का मुरब्बा क्या रहेगा? 4 रहेगा। 3 का मुरब्बा क्या रहेगा? 9। 4 का 16। 5 का 25। इस तरह से हमें आगे आने वाले इदाद तक काफ़ी इदाद तक मुरब्बे मालूम होना चाहिए जिसे हम ये ज़ाब्ते को कीमतों को हासिल करने में हमें आसानी होती है। यहाँ पर 3 की कुवत 2 यानी 3 का मुरब्बा 9 जमा 4 की कुवत 2 यानी 4 का मुरब्बा 16 ये दोनों की जमा की गई तो जवाब आया 25। अब यहाँ पर वितर यानी एसी की कुवत 2 है। अब ये कुवत नुमा हटाने के लिए यहाँ पर हमको एसी बराबर 25 को जज़र में लिखा जाता है, अंडर रूट 25 यानी जज़र में जब लिख दिए तो यहाँ से इसकी कुवत हट गई और यहाँ पर जजर लग गया। अब जब जजर हम यहाँ पर हटाएंगे तो इसका जजर मुरब्बा रहेगा एसी बराबर 5 यानी ये वितर की कीमत हमारे सामने आ गई 5। वितर बराबर 5 यानी इससे जाहिर होता है कि इर्तिफा 3 सम का है, कायदा 4 सम का है, तो वितर यहाँ पर 5 सम का हासिल हुआ। यानी इससे जाहिर होता है कि ये दोनों अज़ला के मुरब्बे के मजमुआ वितर होता है, ये दोनों की लंबाई का मजमुआ वितर होता है। ये फिसागोरस के मसले के रूप से समझ में आता है। अब हमें ये जो एदाद हासिल होते हैं 3, 4, 5 यहाँ पर 5 कीमत आ गई है, ये हमने ज़ाब्ते की मदद से हल कर ली। तो ये 3, 4, 5 जो होते हैं इन्हें सरासी आदाद कहते हैं। 3, 4, 5 ये एदाद जो हमें हासिल हुए है इन्हें सरासी एदाद भी कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत कुछ समझ गया है। अब आने वाले वीडियो में फिर हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।